आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पॉन्जी मॉइस्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाली ब्राउनी, जो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बच्चों को चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बच्चों को ही क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। आप इसे एज ए डेजर्ट भी बना सकते हैं, किसी भी टाइम जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका स्वागत है। ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी उबाल लिया है एक बर्तन में, और इसके ऊपर एक बर्तन रखा है, उसका तला पानी में टच नहीं होना चाहिए। इसे हम डबल बॉइलिंग करेंगे तो चॉकलेट को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आधा कप मैंने चॉकलेट ली है और उसी के साथ मैंने पिघला हुआ बटर लिया है लगभग 50 ग्राम, तो उसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे दोनों चीज़ों को। पानी उबलने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और भाप में ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सॉल्टेड या अनसॉल्टेड आप कोई भी बटर ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब हम गैस को बंद करके नीचे उतार लेंगे इसे। तो ये अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट हम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक छलनी लेंगे और एक कप मैंने यहाँ मैदा लिया है, साथ ही साथ दो चम्मच मैं यहाँ कोको पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल लेंगे, एक छोटा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, 3/4 कप मैंने पीसी हुई चीनी ली है, या आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस के ले सकते हैं। इसे छान लेंगे अच्छे से। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम 3/4 कप इसमें दूध डाल लेंगे। तो 3/4 कप मैंने दूध लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इससे हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं। तो हम 3/4 कप टोटल इसमें दूध डाल लेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। देखिए मैंने पूरा 3/4 कप दूध डाल दिया है। अब एक स्मूथ एकदम चिकना और शाइनी बैटर बनकर तैयार होगा, एकदम रिबन की कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। तो ये बनकर तैयार है। अब हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने केक टिन ली है, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालकर, ऑयल या घी बटर कुछ भी आप डाल लीजिए, और इसे अच्छे से ग्रीस करना है। आप चाहें तो बटर पेपर भी यहाँ लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैदा मैं डाल रही हूँ, इससे मैदे से हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे इसे अच्छे से, और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा उसे निकाल देंगे। तो केक टिन तैयार है। अब इसमें हम बैटर डाल लेते हैं। देखिए एकदम स्मूथ बैटर है। अब इसे हम टैप कर लेंगे, 3-4 बार टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हों वो रिमूव हो जाएँ। अब बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है। लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे। अंदर एक जाली या स्टैंड लगा देंगे। और अब हम देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो अब हम केक टिन इसमें प्लेस कर देंगे, अच्छे से रख देंगे, और इसे हम 35-40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। आप 30 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि सभी की गैस की फ्लेम कम या ज़्यादा होती है, तो उसी के अनुसार आप इसे एक बार चेक जरूर कर लीजिए। 15 मिनट हो गई है बेक होते हुए, लगभग आधा ये बेक हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ड्राई फ्रूट पहले क्यों नहीं ऐड किए। तो ड्राई फ्रूट अगर हम पहले डालते तो ये सारे नीचे तले में जाके बैठ जाते और ब्राउनी जलने का डर रहता, क्योंकि ड्राई फ्रूट जल्दी चिपकते हैं नीचे तले में। जब ब्राउनी आधी बेक हो जाए तभी हम ड्राई फ्रूट इस पर डाल देंगे, अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो अब ढककर हम इसे बेक कर लेंगे।
तो यहाँ 35 मिनट हो गई है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक लेंगे और इसमें डाल के हम देख लेंगे। देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकल रही है, तो अच्छे से ब्राउनी बनकर तैयार हुई है, अच्छे से बेक हुई है, ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगे कि ये कच्ची है तो 5 मिनट आप और बेक कर लीजिए। अब निकाल लेते हैं इसे। तो मैंने निकाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है, ब्राउनी को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ये हर तरफ से अच्छे से पकी हुई है, बेक अच्छे से हुई है और स्पॉन्जी भी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं, आप चाहें जैसा शेप में इसे कट कर सकते हैं। देखिए कट करने से पता चल रहा है एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारी ब्राउनी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ये बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ये लीजिए ब्राउनी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम मेल्टेड चॉकलेट से इसे ड्रिजल कर लेंगे, तो आप ऐसे बना सकते हैं और यम्मी चॉकलेटी ब्राउनी को आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सभी की फेवरेट होती है चॉकलेट, तो आप भी चॉकलेट ब्राउनी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनाना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।